फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज जूम। फ्रेंड्स, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शिखर सम्मेलन। फ्रेंड्स, अपने हर कम्पिटेटिव एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन आप इस पॉइंट से जरूर देखते हैं, तो उस अपने एक क्वेश्चन को कंफर्म करने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 15 MCQs का सेलेक्ट किया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और शिखर सम्मेलन से संबंधित है, जो कि 2019 में जितने भी शिखर सम्मेलन हुए उन सभी पर आधारित है। तो फ्रेंड्स, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे जब भी अगला वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स के 11वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए किस देश की यात्रा पर गए थे? उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्राजील। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स के 11वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्राजील की यात्रा पर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स के 11वें शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राजील में किया गया था, ब्राजील की राजधानी क्या नाम है जहां पर इसका आयोजन किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ब्राजीलिया। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में ब्रिक्स के 11वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स के 11वें शिखर सम्मेलन की विषय वस्तु यानी कि थीम जो वो क्या थी? उसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एक नवोन्मेषी भविष्य के लिए आर्थिक विकास। फ्रेंड्स, ब्रिक्स के 11वें शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में किया गया, तो इसमें एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि 12वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा, इसका आयोजन जुलाई 2020 में किया जाएगा और रूस में ब्रिक्स के 12वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। पैंतीसवें आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लेने हेतु नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री किस देश की यात्रा पर गए थे? तो उस देश का नाम है ऑप्शन बी, थाईलैंड। 35वें आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मोदी थाईलैंड की यात्रा पर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा आयोजित भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में भारत ने किसे आमंत्रित किया था? भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन में, तो इसका राइट आंसर होगा, यहाँ के फोटो देख के आंसर गैस कर सकेंगे, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, शेख हसीना, बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 सितंबर 2019 को हाउडी मोदी कार्यक्रम का आयोजन अमेरिका में कहां पर किया गया था? हाउडी मोदी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अमेरिका के ह्यूस्टन में, टेक्सास के ह्यूस्टन नामक एक शहर में हाउडी मोदी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर भारतीय समुदाय के लोगों को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा संबोधित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि UNGA के 74वें सत्र के दौरान जलवायु पर कौन सा सम्मेलन आयोजित किया गया था? उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई सम्मेलन का आयोजन UNGA के 74वें सत्र के दौरान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, G7 का 45वां शिखर सम्मेलन 24 से लेकर 26 अगस्त 2019 में कहां पर आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्रांस। G7 का 45वां शिखर सम्मेलन का आयोजन फ्रांस में किया गया था, फ्रांस के बियरिट्स नामक एक शहर है वहां पर इसका आयोजन किया गया था। फ्रेंड्स, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 46वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया जाएगा जो आने वाला है? तो उसका आयोजन किया जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, US में इसका आयोजन किया जाएगा, जो कि जून 2020 में इसका आयोजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2020 में वैश्विक उद्यमिता शिखर सम्मेलन के 9वें संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया था? वैश्विक उद्यमिता शिखर सम्मेलन, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हेग नीदरलैंड में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक उद्यमिता शिखर सम्मेलन की थीम क्या रही? इसकी थीम ऑप्शन ए है, द फ्यूचर नाउ, और इसका आयोजन किया गया था हेग नीदरलैंड में, और इसकी थीम रही वो थी द फ्यूचर नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया था? G20 के शिखर सम्मेलन का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
जापान के ओसाका नामक शहर में G20 का शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। यह 14वां संस्करण था और जो इसका आने वाला जो 15वां संस्करण हो जब होगा उसका आयोजन किया जाएगा रियाद सऊदी अरब के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, 15वां संस्करण का आयोजन किया जाएगा, रियाद नामक एक शहर है जो कि सऊदी अरब में, इसका आयोजन वहाँ पर किया जाएगा। नेक्स्ट है G20 शिखर सम्मेलन ओसाका जापान में जिसका आयोजन किया गया था, भारत की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा G20 शिखर सम्मेलन में प्रतिनिधित्व किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 34वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, बैंकॉक थाईलैंड में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन किया गया था नई दिल्ली। और इस सीरीज का सबसे आखिरी क्वेश्चन हमारा आज का है, भारत आसियान युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था? भारत आसियान युवा शिखर सम्मेलन, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, गुवाहाटी में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करें चैनल को। पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर डाउनलोड कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें जहाँ पर आपको सारे पीडीएफ एक ही जगह पर मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।